फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया समय फूड। तो आज की जो ये रेसिपी आपको दिख रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। इसकी जो ग्रेवी होती है इतनी रिच, इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रीमी होती है ना, इसको आप लच्छा पराठा, नान या कुलचे के साथ खाइए, मजा आ जाता है। इस सब्जी का नाम है पनीर लबाबदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए मैं ये 250 ग्राम पनीर ली हूँ, 4 बड़े टमाटर को कट कर ली हूँ, 2 बड़े प्याज को कट कर ली हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती को चॉप में कट कर ली हूँ, ये खरबूजे का बीज है मस्कमेलन सीड से, ये काजू 10 से 15 ले ली हूँ, थोड़ी सी धनिया की पत्ती की डंठल ले ली हूँ, लहसुन 8 से 10 से 15 ले ली हूँ, अदरक ले ली हूँ छोटा सा टुकड़ा, थोड़े से 2 तेज़पत्ता ले ली हूँ, 4-5 इलायची, 2 दालचीनी। इन सबों को पहले हमें भी भूनना है, तो चलिए फटाफट हम भून लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लवादार की ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 चम्मच तेल डालूंगी। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा ना, 1/2 टीस्पून जीरा, 10 से 15 यहाँ पे काली मिर्च, 10 से 15 लहसुन डाल दूंगी, थोड़े से अदरक डाल दूंगी, 2 से 3 टुकड़े अदरक का, और इन सबों को पहले थोड़ा सा भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, लहसुन का बस कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2 कटे हुए प्याज, प्याज को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेना है हमें, और साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती की डंठल। आपके पास डंठल नहीं है तो आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर लेंगे और हमें पूरा ना इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। और साथ ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक डालने से जो प्याज है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी और 3-4 हरी इलायची डाल दूंगी, साथ में भून लूंगी। और अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी कटे हुए टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूंगी काजू, 15 से 20 काजू, 2 चम्मच खरबूजे का बेज, मस्कमेलन सीड्स भी आप हम इसे बोलते हैं, तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून, ये मैंने रेड चिली डाला काश्मीरी कलर के लिए, और तीखा के लिए हरी मिर्ची डाली हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के इन सबों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना, नहीं तो मसाला हमारा जलने लगेगा। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे इसे ढक के भी कुक करोगे तो हमारा प्याज और टमाटर ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसे ढक देती हूँ 4 से 5 मिनट में। आप देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और अभी इसे ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना। तो चलिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे साइड कर देती हूँ। और इसे ग्राइंड करने से पहले ना इसमें जो भी दालचीनी वगैरह था ना मैं निकाल दूँगी, तेज़पत्ता और दालचीनी। और चलिए अब इसे मैं साइड में कर देती हूँ। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा ना, मैं क्या करूँगी, पनीर को फ्राई कर लूँगी। पनीर को फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा पनीर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर जाएगी, चुटकी पर मिर्च पाउडर जाएगी, इन सबों का मैं अच्छे से मिक्स कर लेना। और हाई फ्लेम पे ना पनीर को अच्छे से भून लेना है, तो ये क्या होगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा रहेगा। तो आप देख सकते हैं पनीर हमारा रेडी है, और अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम लबाबदार की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी भी पनीर ऐसे फ्राई हो जाए, तो आप समझ जाइए पनीर रेडी है। अब ना ये मैं मसाले को ग्राइंड कर लूँगी, हमारा ठंडा हो गया है, इसे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना एकदम से। तो आप चाहो तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी ये इतना गीला है ना कि पानी की ज़रूरत नहीं है। तो स्मूथ सा पेस्ट रेडी है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें डालूँगी 2 चम्मच से थोड़ा सा कम ऑयल और 2 चम्मच घी डालूँगी। घी डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, आप चाहो तो पूरे घी में भी बना सकते हैं। तो जैसे ऑयल घी गर्म हो जाएगा, मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल होगा डाल दूंगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और इन सबों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। थोड़े से स्पाइसेस हम ऑलरेडी मसाले में भी डाल सके, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और अब इसे 4 से 5 मिनट हमें अच्छे से भून लेना है। अब बीच बीच में इसे चलाते रहे, नहीं तो मसाला नीचे से जलने लगेगा। आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के भून ले। अब 4 से 5 मिनट हमें भूनते भूनते हो गया है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़े से कैप्सिकम और थोड़ा सा पानी डालूंगी, मसाला हमारा जले नहीं इसके लिए। नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं अगेन मेरी सब्जी का कलर चेंज हो गया है मसाले का। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी पनीर, ऊपर से डाल दूंगी थोड़ी सी फ्रेश मलाई। मलाई मेरे पास थोड़ी कम थी, आप चाहो तो 2 चम्मच भर के मलाई डाल सकते हो। और ये थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर डालने से इसकी ग्रेवी और भी स्मूथ और भी रिच हो जाती है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूंगी और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी सच में कितनी लबाबदार लग रही है।
और पनीर लबाबदार ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट बस अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सब्जी में मलाई डालते हैं ना, तो ज़्यादा देर उसके बाद हमें नहीं भूनना है, नहीं तो मलाई घी छोड़ देने से ना सब्जी का कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज। और 2 बड़े बटर के क्यूब्स मैं यहाँ डाल दूँगी और गैस का फ्लेम कर दूँगी ऑफ़। अब देख सकते हैं ना कितना स्मूथ सा, कितना अच्छा कलर आ गया सब्जी का। और मैं अभी इसे सर्विंग करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा पनीर लबाबदार बन के रेडी है। आप इसे लच्छा पराठा, नान या बटर कुलचा के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।